एंड विन लाइक धोनी। आज की ऑडियो में हम सक्सेस का पहला सीक्रेट डिस्कस करेंगे जो है द राइट एटीट्यूड। इसकी शुरुआत ऑथर ने धोनी की जिंदगी का एक किस्सा बताते हुए की है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक बार धोनी अपनी नई खरीदी हुई गाड़ी लैंड रोवर में अपने एक दोस्त के साथ NH-8 से होते हुए दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था। वो रोड इतनी स्मूथ थी कि उनका दोस्त एक्सेलरेटर को दबाने से अपने आप को नहीं रोक पाया, और ऐसा करने के बाद अचानक कहीं से उनके सामने एक गाड़ी आ गई और वो बाल बाल बचे। उनका दोस्त तो हड़बड़ा गया, लेकिन धोनी अपने शांत मिजाज में ही रहे और उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि जब जिंदगी इतनी स्मूथ जा रही है तो तुम्हें चीजों को इतना उलझाना क्यों है। तुम्हारे पास एक अच्छा परिवार, अच्छा व्यापार और सब कुछ तो अच्छा है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो मीडिया, पुलिस और बेकार में हंगामा हो जाएगा। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि टेक इट इजी मैन। अब सालों बाद उनके उसी दोस्त ने बताया कि उस वक्त अगर धोनी का पल्स रेट चेक किया जाता तो वो स्टेबल होता। एटीट्यूड 70-30 बैलेंस के बारे में है। ऑथर ने बताया है कि ये एक मिथ है कि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। एटीट्यूड कुछ ऐसा है जो धोनी ने वक्त, समझ और विश्वास के साथ एक्वायर किया है। लोग थोड़े एटीट्यूड के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाकी का एटीट्यूड वो वक्त के साथ इकट्ठा करते जाते। धोनी झारखंड के एक छोटे से टाउन रांची से है। उस वक्त जब रांची में ना तो अच्छे ग्राउंड्स थे और ना ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उस वक्त धोनी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। और आज धोनी ने उसी रांची को दुनिया के मैप पर लाकर रख दिया है, और वो भी उनका जन्मस्थान होने के लिए। ऑथर ने धोनी के कुछ क्रिकेट मैचेस के बारे में बताया है जिससे ये पता चलता है कि कैसे उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। चोटिल होने की वजह से जब धोनी एशिया कप 2014 का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तब उनका कहना ये था कि मैं कहानी की पॉजिटिव साइड देखने में यकीन करता हूँ। मेरे लिए एक आराम करने का, टीवी देखने का, अपने परिवार और दोस्तों के साथ यादगार लम्हे बिताने का और अपने कुत्ते के साथ खेलने का वक्त है। टीम इंडिया के कैप्टन होने के नाते धोनी को टूर्नामेंट का हिस्सा ना बनने पर दुख होना चाहिए था, लेकिन धोनी ने ऐसी सिचुएशन में अपने होश नहीं खोए। वो चोटिल थे और खेल नहीं सकते थे, तो उन्होंने उस सिचुएशन को बेस्ट बनाने का सोचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे किया। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दिनों में टूर्नामेंट से पहले धोनी को जॉन्डिस हो गया था और उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। जब उनके कोच ने उनसे पूछा कि अब क्या, तब धोनी ने जवाब दिया कि कोई नहीं, फिर चांस आएगा। धोनी इसी तरह की बाधाओं को पार करते गए और उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। अपने बहुत से इंटरव्यूज में धोनी ने कहा है कि जीतना एक टीम के लिए जबरदस्त मोरल बूस्टर है और ये उन्हें और अच्छा परफॉर्म करने में मदद करता है। जब धोनी हारते हैं तब उनका कहना कुछ यूं होता है कि हार से उन्होंने सीखा है, इसीलिए कभी कभी हारना भी बहुत अच्छा है। जब उनसे पूछा जाता है उस फील्डर के बारे में जिसने बहुत सारे कैचेस छोड़ दिए, तब वो कहते हैं कि आज उसका दिन नहीं था। जब उनसे पूछा जाता है कि ड्रेसिंग रूम में क्या डिस्कशन हुआ जब एक बॉलर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब उन्होंने बताया कि हमने उसे रूम में अकेला छोड़ दिया, वो अपने आप ही संभाल लेगा, वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, उसे कुछ भी सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। धोनी का यही रवैया उन्हें सभी से अलग बनाता है। धोनी ने दुनिया को ये दिखाया है कि एटीट्यूड कम्स बिफोर टैलेंट। अगर आपके लिए कुछ जरूरी है तब आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब आप कोई बहाना ढूंढ लेंगे। धोनी के लिए कभी ये सवाल नहीं होता कि मैच बड़ा है या छोटा, जो चीज उनके लिए मायने रखती है वो है जीतना। सौरव गांगुली ने बताया है कि कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा है जो अंदर से आता है, लेकिन उसे एक्वायर करने का एक तरीका जरूर है। वो ये कि एक वक्त पर एक स्टेप लेना और उसे पॉलिश करना। एक छोटा अचीवमेंट आपको एक एड्रेनलिन रश देगा जिससे आप अलग स्टेप ले पाएंगे। अगला स्टेप पहले स्टेप से हमेशा बेहतर होगा, क्योंकि तब तक आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अंदर ही अंदर आपको इसे आत्मविश्वास से डेवलप करना होगा। क्रिकेट कमेंट्रेटर हर्षा भोगले ने एक बार कहा था कि धोनी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी निर्भरता। जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। धोनी के मुताबिक डर सिर्फ एक इल्यूशन है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग सिर्फ ऊंचाई, पानी या स्पीड से नहीं डरते, उन्हें डर होता है तो फेल होने का। बहुत से लोगों को किसी जरूरी इवेंट से पहले नींद नहीं आती और हम ये सोचते हैं कि ये नेचुरल है।
धोनी के डेब्यू मैच से पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पिछली रात शांति से सो पाए, तब उन्होंने कहा कि वो आराम से सोए क्योंकि अगले दिन उन्हें खेलने के लिए फ्रेश रहना था। धोनी का कहना यह है कि अपने डर को दिमागी तौर पर एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, इससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। चीजों को लेकर धोनी का नजरिया कुछ अलग है। वो प्रेशर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ताकि वो अपनी मेरिट को प्रूव कर सकें। धोनी ने बताया है कि जब वो बैटिंग करते हैं तब वो बस बॉल को देखते हैं, ना कि ये कि बॉलिंग कौन कर रहा है। धोनी को उनके इंट्यूटिव डिसीजंस के लिए भी जाना जाता है। धोनी की परफॉर्मेंस ने दिखाया है कि जब एक पैशन को दिल से फॉलो किया जाए तब वो इंट्यूशन की ताकत को जन्म देता है। अगर आप एक शार्प इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हैं तब आपके अपने मन को किसी भी सिचुएशन में शांत रहना आना चाहिए। अब ऑडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर जान लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। आपको अपनी मेंटल स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको अपने बेस्ट वर्जन बनाने में मदद करेगा और आपको खुश रखेगा। एक विनर के दिमाग का सबसे ताकतवर ट्रेट है एटीट्यूड। जब आप अपने एटीट्यूड को मास्टर करना सीख जाएंगे तब स्किल्स पर काम करना आसान बन जाएगा। अगली ऑडियो में हम गोल्स के बारे में बात करेंगे। आज की ऑडियो में हम सक्सेस के दूसरे सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है गोल्स। सपनों को गोल में कैसे बदलें कि उन्हें पूरा कर पाएं। नेपोलियन हिल के मुताबिक गोल डेडलाइन के साथ एक सपना है। अगर आपको किसी भी चीज को हासिल करना है तब आपको उसके लिए एक टाइमलाइन असाइन करनी होगी और उसे अपना मिशन बनाना होगा। आपके दिमाग में जो भी सपने या जो भी ख्वाहिशें हैं वो तब शेप लेती हैं जब उनके लिए एक डेडलाइन सोची गई हो। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गोल्स में विश्वास ही नहीं रखते और उनका मानना ये होता है कि किसी दिन तो वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। धोनी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस भी खेलते हैं। वो एक शार्प शूटर हैं और बाइक्स के साथ उनकी स्टंट्स तो फेमस हैं। वो पहाड़ों पर मजे और सेहत के लिए चढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वो क्रिकेट ही है जिसमें उन्हें आगे बढ़ना है तब उन्होंने अपने बाकी शौक साइड रख दिए। उन्होंने एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने पर काम किया और सिर्फ उसी पर फोकस किया। बेशक धोनी बेहद टैलेंटेड हैं, लेकिन गोल सेट करने के बाद उन्हें एक पर्पस, डायरेक्शन और एक मीनिंग मिल गया। अगर आपके पास अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तब आप अपनी सारी जिंदगी दूसरों के गोल्स पूरा करने में ही बिताएंगे। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में पैसा भी कमाते हैं और अच्छी जिंदगी भी जीते हैं, लेकिन वो कभी भी अचीवर्स नहीं बनते। गोल्स उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने वजूद को गिनवाना चाहते हैं। धोनी ने अपने गोल्स को कैसे अचीव किया, ये चार आसान स्ट्रेटेजीज में बताया गया है। पहली है सेट स्मॉल गोल्स, दूसरी सिंप्लीफाई योर गोल्स, तीसरी यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक और चौथी क्रिएट और ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। गोल्स तभी वैलिड माने जाते हैं जब उन्हें एक टाइम फ्रेम में सेट किया जाए। गोल्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें अचीव भी किया जा सके और साथ ही वो चैलेंजिंग भी हों। पहली स्ट्रेटजी है सेट स्मॉल गोल्स। धोनी कभी भी ज्यादा आगे की सोचने में विश्वास नहीं करते। सिर्फ मैच जीतने पर ध्यान देना, वर्ल्ड कप जीतने पर ध्यान देना या फिर सीरीज के बारे में चिंता करते रहना ही आपको जीत नहीं दिलाएगा, बल्कि ये तो आपके हाथ में आए हुए मैचेस से भी आपका फोकस हटा देगा। ध्यान से बनाई गई स्ट्रेटजी और गोल को छोटे हिस्सों में बांटना जिन्हें अचीव किया जा सके और अपनी एबिलिटी के मुताबिक उस पर काम करना ही आपको जीत दिलवाता है। सौरव गांगुली ने भी बताया है कि आपको सिर्फ अगली बॉल का सामना करने के बारे में सोचना होता है बस, और कोई भी सोच उस वक्त आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर धोनी की इंस्पिरेशन जरूर थे, लेकिन वो कभी भी उनके लिए बेंचमार्क नहीं थे। हम लोगों को ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि हमें आगे की जिंदगी के लिए पहले से प्लान बनाने चाहिए, लेकिन धोनी की थ्योरी तो यही रही है कि ज्यादा आगे के लिए प्लान ना किया जाए। धोनी का मानना यह है कि जो मैच आज हाथ में है उसकी क्लैरिटी 10 दिन बाद आने वाली किसी चीज से कहीं ज्यादा है। दूसरी स्ट्रेटजी है सिंप्लीफाई योर गोल्स। धोनी को अपने दिमाग के लिए चीजों को आसान बनाना पसंद है, उन्हें आसान प्लान्स बनाना पसंद है। जब एक बार प्लान सिंपल होते हैं और माइंड के लिए अचीवेबल होते हैं तब उन्हें आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। धोनी से जब पूछा गया कि अगर आपकी टीम को 200 रन चेस करने हैं वो भी 120 बॉल्स में, तब वो ये कैसे करेंगे, जिसके जवाब में धोनी ने ये बताया कि वो मानते हैं कि उनकी टीम
एक मैच में 20 चौके लगा लेगी, जिसका मतलब है कि 20 बॉल में 80 रन। अब बचे 100 बॉल से 120 रन, यह अब अचीवेबल लगता है। और जब आप ऐसा देख सकते हैं तो उसे अचीव भी कर सकते हैं। आप भी ऐसे अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, जिससे आप उन्हें आसानी से अचीव कर पाएंगे। एक अचीवर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स रखता है। धोनी का गोल्स को सिंप्लीफाई करने का कॉन्सेप्ट दिमाग की एक एक्सरसाइज है। जीतना हमेशा धोनी के दिमाग में होता है, लेकिन वो कभी उसे अपनी परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने देते। धोनी जीत या हार के बारे में कम सोचते हुए एक टूर्नामेंट को एक वक्त पर लेते हैं और अपनी काबिलियत के हिसाब से सबसे बेहतरीन खेलते हैं। धोनी का मंत्र है कीप इट सिंपल। गेम की ओर धोनी की अप्रोच हमेशा से ही अनकॉम्प्लिकेटेड रही है। धोनी हमेशा ये बिलीव करते हैं कि अगर एक स्ट्रेटजी काम नहीं आई तो दूसरी स्ट्रेटजी काम आएगी। बहुत सारे व्हाट इफ्स और देन व्हाट्स एक इंसान को पैरालाइज कर देते हैं। अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करना आपके पास तरह तरह के आइडियाज लेकर आता है। अब ऐसी चीजें देख लेते हैं जो आपको गोल सेट करते वक्त और उन्हें डिवाइड करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने मन को मनाना होगा और दूसरा आपके माइंड को अपना सेट किया हुआ गोल एक्सेप्ट करना होगा। ज्यादातर अच्छे प्लान्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। एक गोल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। अगर प्लान ए फेल होता है तो बैकअप में प्लान बी भी जरूर होना चाहिए। तीसरी स्ट्रेटेजी है विजुअलाइजेशन। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ मिनट्स के लिए स्टिल होकर बैठना है और अपनी जीत को विजुअलाइज करना है। एक बार जब आपने उसे विजुअलाइज कर लिया, तब आपको उसे वहीं छोड़ देना है और अपनी जर्नी पर ध्यान देना है। चौथी स्ट्रेटेजी है अपॉर्चुनिटी। जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, तब आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनानी चाहिए। धोनी अपने कोच भट्टाचार्य से सिर्फ 5 मिनट खेलने के लिए मांगते थे, क्योंकि वो उनके बैच का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह ये थी कि पहले से ही बैच में बहुत लड़के थे। इसीलिए भट्टाचार्य ने उन्हें अपने बैच में नहीं लिया और धोनी के कहने पर भट्टाचार्य के दिए गए 5 मिनट धोनी के चेहरे पर खुशी ले आते थे। जब धोनी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तब उन्होंने खुद एक अपॉर्चुनिटी बनाई। अब ऑडियो खत्म होने से पहले ये जान लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। छोटे गोल सेट करें, वो आपको फोकस्ड रखेंगे। आपके गोल सिंपल होने चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले तो खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाएं। ओवरथिंकिंग करना बंद करें और उसे सिंपल बनाएं।